अच्छा देखो, जो बाकी क्वेश्चंस है ना उनका टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। अब वो टॉपिक क्या है, इसी एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, इसी में एक वर्ड मुझे ऐड करना है, इनफिनिट ज्योमेट्री सीरीज। ये टॉपिक आपको अरिथमेटिक में नजर नहीं आया, आपने कुछ ऐसी चीज नहीं पढ़ी थी कि इनफिनिट अरिथमेटिक सीरीज, आपने ये कुछ चीज नहीं पढ़ी हुई थी। आपने बस अरिथमेटिक सीरीज पढ़ी थी जिसकी जो नंबर ऑफ टर्म थी ना वो फाइनाइट हुआ करती थी। फाइनाइट का मतलब आप ये पढ़ते थे कि जो आपने अरिथमेटिक सीरीज है ना उसको एन टर्म्स तक ऐड करना है। अब एन क्या हो सकता था, एन कोई भी फाइनाइट नंबर हो सकता था। 100 ले लो, 1000 ले लो, मतलब 1000 टर्म तक आप ऐड कर दो, 1 लाख ले लो, 1 बिलियन ले लो, मतलब वो नंबर जो फाइनाइट है। अगर आपको बोला जाए कि यार जो अरिथमेटिक सीरीज है इसका एन जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब कहीं भी रुक नहीं सकती है, किसी भी नंबर के ऊपर ही सीरीज रुक नहीं सकती, इसको आपने इनफाइनाइट तक बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना। पर अब मुझे इसका सम मालूम करके दिखाओ, इसको आप कहोगे इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज या इनफिनिट अरिथमेटिक सीरीज, जो कि एन टर्म्स तक ना हो बल्कि वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए, उसका कोई रुकने का पॉइंट ना हो, वो कहीं रुके ना, बस वो बढ़ती जाती है। आपको बोला जा रहा है सम को इनफाइनाइट तक निकालो, मतलब इसके अगर नंबर ऑफ टर्म है इनफाइनाइट कर दो, और इनफाइनाइट क्या होता है आपको नहीं पता, इनफाइनाइट का मतलब चलते जाओ कोई लिमिट नहीं है उसकी। तो ये टॉपिक आपको अरेथमेटिक में नजर नहीं आएगा, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये होती है कि नॉर्मली जब आप अरेथमेटिक सीरीज का सम मालूम करते हो तो आपके पास कोई एक नंबर आ रहा होता है कि सम इसका 100 है, या इस पूरी सीरीज का सम जो है वो 1000 आ रहा है। अगर आप नंबर ऑफ टर्म को इनफाइनाइट कर दोगे ना तो सम भी आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये एक बहुत बेसिक सी अरिथमेटिक सीरीज है जिसका जो ऐड कर रहे हो डिफरेंस जो है वो सिंपल 2 के बराबर है, 2, 4, 6, 8, सिंपल एक अरिथमेटिक सीरीज है। अगर मैं इसकी शुरू की 4 टर्म को ऐड करूंगा यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। मैं इसकी शुरू की 6 टर्म को ऐड करूंगा तो कोई नंबर आ रहा होगा। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जैसे ही मैं टर्म्स बढ़ाता जा रहा हूँ, मैं इसकी 5 टर्म को ऐड करूँ, 6 को ऐड करूँ, 10 को ऐड करूँ, तो आप ये ऑब्जर्व करो कि सम भी बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इसकी 100 टर्म्स को ऐड करूंगा तो सम और बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि जितना मैं टर्म्स बढ़ाता जा रहा हूँ इसका सम बड़ा होता जा रहा है। तो अगर मैं इसके इनफाइनाइट टर्म्स दू, मतलब बहुत ज्यादा टर्म्स दू, तो सम भी बहुत बड़ा आ जाएगा इसका, मतलब मुझे कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी सम की। अगर नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है तो सम जो है ना वो भी यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मुझे कोई खास फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी सम की। फाइनाइट वैल्यू का मतलब 100, 200, 300, ये मुझे नहीं मिलेगी। मुझे जैसी नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है इनफाइनाइट हो रही है तो सम भी इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। अरिथमेटिक में कभी भी आपको फाइनाइट सम नहीं मिलता, लेकिन ज्योमेट्रिक के अंदर मिल सकता है। कैसे, कंसीडर करो ये वाली सीरीज, सवाल के आज क्लास के स्टार्ट में ये वाली सीरीज आपने देखी होगी। आप इसमें ऑब्जर्व करोगे एक बात, वो अब बात क्या है, आप शुरू की 2 टर्म को ऐड करो यहाँ पे, 1 और 1/2 को ऐड करते हैं तो 1.5 आता है। आप शुरू की 3 टर्म को ऐड करो, 1/4 जो है वो होता है 0.25, तो शुरू की 3 टर्म को ऐड करोगे 1.75, मतलब शुरू की 2 टर्म को ऐड करोगे तो 1.5 आएगा, शुरू की 3 टर्म को ऐड करोगे 1.75 आएगा, शुरू की 4 टर्म को ऐड करोगे ना तो 1.83 समथिंग आ रहा होगा, मतलब इन शुरू की 4 टर्म को ऐड करो। यहाँ पे ऑब्जर्व करते जा रहे हो कि जैसी टर्म्स बढ़ती जा रही है सम आपका बड़ा नहीं होता जा रहा, सम एक वक्त आ रहा है मतलब बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 का सम 1.5 था, 3 का सम 1.75 है, काफी कम बढ़ा है, मतलब 1 से डायरेक्ट 1.5 पे आप गए, फिर 1.5 से 1.75 पे, इसी तरह 1.75 से 1.83 पे, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो आपका सम बहुत तेजी नहीं बढ़ रहा बल्कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और एक वक्त ऐसा आएगा आप इसकी शुरू की 10 टर्म को ऐड करो, उसके बाद जब आप टर्म्स ऐड करोगे ना वो टर्म्स इतनी छोटी होती जाएंगी कि उनका कोई फायदा ही नहीं ऐड करने का। जैसे 1/8 जो है वो कैलकुलेटर से निकाल लेना, 0.09 या 0.8 समथिंग कुछ होगा, 1/8 तो 0.125 है। इसकी जो अगली टर्म है वो क्या होगी, 1/16, 1/16 इतनी छोटी टर्म होती है, इससे अगली टर्म क्या होगी, 1/32। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि अब मैं जब मजीद टर्म्स इसके अंदर लाता जा रहा हूँ ना तो सम के अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ता जा रहा, क्योंकि टर्म्स बहुत छोटी होती जा रही है, वो आप ऐड करो या ना करो फर्क ही नहीं पड़ेगा, मे बी डेसिमल के कोई 3-4 प्लेसेस के बाद कोई फर्क पड़ जाएगा क्योंकि टर्म बहुत छोटी होती जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप इनफाइनाइट टर्म लोगे ना तो सम आपका इनफाइनाइट नहीं आएगा, सम आपकी कोई वैल्यू आ रही होगी। देखो इनका 1.83 आ रहा है, आप शुरू की 10 ले लेना, 1.83 के करीब ही होगी, वो 1.88 या 1.85 इसी के करीब होगी शुरू की 10 टर्म। तो यहाँ पे जब आप इनफाइनाइट टर्म्स लोगे ना तो सम आपका इनफाइनाइट नहीं होगा, सम कोई खास वैल्यू आ रही होगी, 1.9 या 2 के करीब कोई वैल्यू आ रही होगी। तो ये फर्क है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक के अंदर, कि अरिथमेटिक आप कोई भी ले लो हमेशा सम आपका इनफाइनाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी अरिथमेटिक ले लो जो नेगेटिव है, उसका सम भी इनफाइनाइट ही होगा ना,
दो किस्म की इन्फिनिटी होती है, एक तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, एक नेगेटिव इन्फिनिटी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी एथमेटिक है कि आप उसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव है, मतलब स्टार्टिंग टर्म फॉर एग्जाम्पल उसकी माइनस वन है और अब माइनस टू आप कम करते जा रहे हो, मतलब माइनस थ्री, माइनस फाइव, माइनस सेवन, माइनस नाइन। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे जब मैं इसको इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐड करूंगा तो सम भी मेरा नेगेटिव इनफाइनाइट आ रहा होगा, मतलब नेगेटिव बहुत बड़ा नंबर अगर आप थोड़ा सोचो इसको। तो कह रहे हैं मतलब एथमेटिक के अंदर टॉपिक पढ़ने का फायदा ही नहीं था कोई, क्योंकि उस पर आपके पास हमेशा सम इनफाइनाइट ही आता था। ज्योमेट्रिक में पढ़ने का फायदा होता है, क्यों? क्योंकि हर ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक के अंदर भी इनफाइनाइट आ सकता है लेकिन हर ज्योमेट्रिक का इनफाइनाइट नहीं होता। जो इस किस्म की ज्योमेट्रिक होती है ना उनका सम आपके पास कुछ ना कुछ आ रहा होता है। जैसे मैंने एग्जांपल देके आपको बताया है कि आप इसकी शुरू की 10 टर्म ऐड कर लो, देखना 1.83 के करीब भी कुछ आ रहा होगा, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा इसमें। तो अगर नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है लेकिन सम जो है वो आपको फाइनाइट मिल रहा होता है, दैट्स व्हाई टॉपिक आपको ज्योमेट्रिक के अंदर नजर आता है। अब रही आखिरी बात कि यार सम कैसे निकाले, फॉर एग्जाम्पल कौन सी ज्योमेट्रिक का सम पॉसिबल है और किसका नहीं पॉसिबल। तो वो ज्योमेट्रिक जिसका कॉमन रेशो आपका वन से छोटा है, अभी मैं थोड़ा सिंपल केस डिस्कस कर रहा हूं फिर मैं नेगेटिव पे भी आ दूंगा। जिस ज्योमेट्रिक का रेशो जो है वो वन से छोटा है तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस छोटी होती जाती है। कॉमन रेशो का मतलब क्या होता है, आप हर टर्म को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर वो नंबर वन से छोटा होगा तो वो टर्म्स को क्या कर देगा, छोटा करता जाएगा। जैसे कॉमन रेशो यहाँ पे 1/2 था, अभी हर टर्म को छोटा करता जा रहा है तो इसका सम पॉसिबल हो जाएगा। और ऐसी ज्योमेट्रिक जिसका कॉमन रेशो वन से ग्रेटर हो तो उसका भी आप सम मालूम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये वाली ज्योमेट्रिक है 4, 8, इसमें कॉमन रेशो 2 के बराबर है, 32। आप इसमें देखो टर्म छोटी नहीं हो रही, बड़ी होती जा रही, तो अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स दोगे तो सम भी आपके पास इनफाइनाइट होगा क्योंकि टर्म्स आपकी बढ़ती जा रही, सम भी आपका बढ़ता जाएगा। तो ये वो ज्योमेट्रिक है जिसमें आप सम नहीं निकाल सकते क्योंकि सम इसका इनफाइनाइट ही होगा, कोई फिक्स नंबर नहीं आएगा। लेकिन ये वो ज्योमेट्रिक है जिसका आप सम निकाल सकते हैं। तो अगर आपका आर लेस देन 1 है तो सम पॉसिबल है, और अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो सम पॉसिबल नहीं है। सम पॉसिबल का मतलब कि सम इनफाइनाइट आ रहा होगा तो कोई फायदा नहीं है ना हमें, इनफाइनाइट क्या होता है हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो कोई फिक्स नंबर दो ना तब बात समझ आएगी। तो ये इस पे आपको कोई नंबर मिल रहा होगा सम फाइनाइट होगा, इस पे जो है वो सम आपका इनफाइनाइट आ रहा होगा। ये वो कंडीशन है जिसके तहत आपको जो मैट्रिक में ऐसा मिलता है। अभी मैंने पॉजिटिव रेशो की बात की है, रेशो जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैं पॉजिटिव आर की बात की ना, अगर आर पॉजिटिव होगा तो उसमें अगर वन से कम हो तो पॉसिबल है सम, और ग्रेटर देन वन है तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर आर नेगेटिव हो तब की क्या सिचुएशन होगी, कंसीडर कर लो आर नेगेटिव है। अब अगर आर जो है वो माइनस वन से ग्रेटर है तो सम पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव में यार थोड़ा इस चीज को समझो कि माइनस वन से ग्रेटर नंबर नेगेटिव में क्या होता है, इसको थोड़ा अगर आप लॉजिकल समझो ना, माइनस वन से ग्रेटर का मतलब अगर आप नंबर लाइन को ड्रॉ करो ना, ये जीरो है और ये माइनस वन है, तो माइनस वन से ग्रेटर सारे नंबर ये होते हैं जो कि क्या होंगे माइनस 0.8 या माइनस 0.3, ये सारे माइनस वन से ग्रेटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब भी आर आपका माइनस वन से ग्रेटर होगा तब भी आपकी टर्म छोटी होती जाएगी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कंसिडर कर लो यहाँ पे कॉमन रेशो जो है वो माइनस 1/2 होता, तब आपके पास टर्म्स क्या होती, यहाँ पे माइनस आ रहा होता, यहाँ पे पॉजिटिव होता, फिर यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे पॉजिटिव होता, और इसके साथ होती 1/32, फिर यहाँ पे नेगेटिव होता, इस तरह चीज चल रही होती। यहाँ पे कॉमन रेशो जो है वो नेगेटिव है, मतलब माइनस वन से ग्रेटर है, माइनस 1/2 जो है वो माइनस वन से ग्रेटर होता है। इस वाली ज्योमेट्रिक का भी सम पॉसिबल है, निकाल सकते हो आप लोग। कैसे भाई, जो पहली टर्म का सम है वो तो 1 के बराबर ही है, दूसरी टर्म का सम क्या होगा, 1 में से आप 1/2 माइनस करो तो 0.5 होता है, तो दूसरी का 0.5 और होगा। शुरू के 3 टर्म को आप ऐड करो तो आपके पास 0.75 आ रहा होगा, शुरू के 4 को अगर आप करो तो सम आपके पास काइंड ऑफ 0.75 है ना, तो इसको माइनस कर देना 0.66 आई गेस इतना कुछ आ रहा होगा या 0 इस तरह आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, शुरू की 5 को ऐड करो आपका सम 0.6 के आसपास ही होगा भाई, क्योंकि ये शुरू की 4 टर्म है ना। अब जो इसके बाद टर्म्स होगी वो इतनी छोटी होंगी कि उनके इफेक्ट आपको ऐसे नजर नहीं आएंगे। आप 0.66 के अंदर अगर 1/32 ऐड करोगे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद अगर आप -1/64 करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपका कॉमन रेशो -1 से भी ग्रेटर है ना तब भी आपकी टर्म छोटी होती जाती है, और जब आप सम निकालते हो तो कोई आपके पास सम नंबर आ जाता है, तो फिक्स नंबर होगा 0.1 या 1, 2, 3 इस तरह के फिक्स नंबर आते हैं। तो अगर आर आपका -1 से ग्रेटर है तब भी आपके पास सम पॉसिबल है, लेकिन अगर आर आपका -1 से लेस है तब सम पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे कॉमन रेशो अगर -2 होता तो ये होती 2-4, फिर +8, फिर -16, +32,
माइनस 64। आप देखो यहां पे कोई चीज पॉसिबल नहीं होगी, क्यों? 2 माइनस 4 क्या होता है? माइनस 2 के बराबर। अच्छा शुरू की तीन टर्म का सम निकालो, माइनस 2 के अंदर 8 ऐड करो, 6 आएगा। अच्छा शुरू की चार टर्म का सम निकालो, आपके पास माइनस 10 आ रहा होगा। शुरू की पांच टर्म का सम निकालो, आपके पास आई गेस 22 आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सम रुकेगा नहीं आपका। जैसे अभी 6 आया, फिर माइनस 10, फिर 22, फिर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा होगा, माइनस कोई 30 40 कुछ आ रहा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे सम आपका रुक नहीं रहा, ये पॉजिटिव नेगेटिव सब चला रहा है, तो आपको कोई फिक्स नंबर नहीं मिलेगा, बस एसी में खेलते रहेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी आपका सम पॉसिबल नहीं है। तो ये वो दो कंडीशन है जिसपे आपका सम पॉसिबल है, और ये वो दो कंडीशन है जिस पर आपका सम जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये पूरा कॉन्सेप्ट था, मुझे बताओ यहां तक बात समझ आ गई? कोई सवाल यहां तक? नहीं। तो अब इन कंडीशन को ना थोड़ा हम अच्छी फॉर्म में लिखेंगे, ताकि जो बुक ने लिखा है ना कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, इसको थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में हम लिखते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात, जिन केसेस में सम पॉसिबल नहीं है तो उसमें सम का कोई फॉर्मूला भी नहीं होगा। सम का फॉर्मूला क्या रखोगे? कोई फायदा नहीं होगा, एन इतना बड़ा है। या आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ये सम का फॉर्मूला होता है ना, अगर मैं यहाँ पे एन बड़ा कर दू, नंबर ऑफ टर्म का मतलब था बता इनफाइनाइट अगर आपकी टर्म्स है ना, तो बिलफर्ज अगर आर जो है वो आपका वन से ग्रेटर है, वन से ग्रेटर का मतलब फॉर एग्जाम्पल टू ले लो, तो जब आर की जगह टू पुट करोगे उस जगह टू की पावर एन, टू की पावर एन जो है वो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म आपकी इनफाइनाइट है ना, मैं कह रहा हूँ कि टर्म्स को आप इनफाइनाइट तक लेके जाओ। तो अगर नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होगी, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी सोच लो, बड़े से बड़ा नंबर इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, तो टू की पावर इतनी बड़ी हो तो आंसर और बड़ा आएगा। जब टू की पावर में आप इतनी बड़ी पावर करोगे तो उसका आंसर और बड़ा आएगा। तो ये जो पूरा न्यूमरेटर है इतना बड़ा हो जाएगा, इस पूरी चीज का आंसर भी बहुत बड़ा होगा, मतलब इनफाइनाइट होगा। तो आपके लिए सम निकालना पॉसिबल ही नहीं होगा। इसी तरह अगर ये नेगेटिव हो जाए तब भी ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर एन इवन है तो आपके पास पॉजिटिव आ रहा होगा, एन ऑड है तो आपके पास नेगेटिव आ रहा होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव इसी में आपकी चीज शफल होती रहेगी, आपके पास कोई सम नहीं आएगा, ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वर्क कब करेगा? इस कंडीशन में कि जब आर आपका वन से कम हो या माइनस वन से ग्रेटर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आर आपका 0.5 है, याद रखो 0.5 की पावर अगर आप बड़ी करते जाओ ना तो आंसर छोटा होता जाता है, कैलकुलेटर में वेरीफाई कर लेना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म आपकी बढ़ती जा रही है ना, इनफाइनाइट होती जा रही है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म ज्यादा बढ़ती जाए ना तो ये पूरी चीज छोटी होती जाएगी, क्योंकि 0.1 से कोई भी छोटा नंबर है ना, अगर आप उसकी पावर करते हो और उसकी पावर बड़ी होती जाएगी, आंसर उतना छोटा होता जाता है। आप इसका स्क्वायर निकालो और इसकी पावर 4 निकालो, देखना पावर 4 बहुत छोटी होती जाएगी। तो अगर आर जो है वो 1 से कम है, तो अब जब एन की वैल्यू बड़ी करते जाओगे ना, ये चीज छोटी होती जाएगी। तो इसका मतलब अब ये फॉर्मूला वर्क करेगा, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से इसका आंसर निकालोगे। तो इन केसेस में जिसमें सम पॉसिबल है उसमें फॉर्मूला होगा, मैं बताऊंगा कैसे आया, और जिन केसेस में सम पॉसिबल नहीं है उसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूले में बेशक पुट कर दो आंसर आपके पास इनफाइनाइट आ जाएगा, तो सेंस तो नहीं बन रही होगी उसकी। और आखिरी बात, यहाँ पे हमने आर की वैल्यू 1 की डिस्कशन नहीं की, हमने 1 से छोटी अभी तक 1 की हमने बात नहीं की, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में 1 की बात नहीं की, 1 से ग्रेटर 1 से छोटे की बात की है, 1 की बात नहीं है। तो 1 पे क्या होगा ये आप देख के बता सकते हो, जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो फॉर्मूला तो वर्क नहीं करना। क्यों? जब आप आर की जगह यहाँ पे 1 पुट करोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो आपकी फ्रैक्शन अनडिफाइंड है। तो इस फॉर्मूले में आप आर की जगह 1 पुट नहीं करता, आप इसको लॉजिकल समझो तो आपको आंसर मिल जाएगा। लॉजिकल क्या है? जिस ज्योमेट्रिक का कॉमन रेशियो 1 है, इसका मतलब उसकी सारी टर्म सेम ही होंगी। अगर पहली टर्म 2 है तो दूसरी टर्म भी 2 होगी, तीसरी भी 2 होगी, क्योंकि कॉमन रेशियो यहाँ पे 1 ही आएगा। तो अगर ऐसी कोई ज्योमेट्रिक सीरीज है आपके पास और आप इसको इनफाइनाइट टर्म्स तक लेके जा रहे हो, तो उसका सम भी इनफाइनाइट होगा। क्यों भाई? ये 2 को अगर आप 10 टर्म तक ऐड करोगे तो आंसर होता था 2 मल्टीप्लाई 10, अगर 2 को आप 20 दफा ऐड करोगे तो इसका आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई 20, अगर आप 2 को इनफाइनाइट दफा ऐड करोगे तो इसका आंसर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट, इसका मतलब सम भी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर आपका कॉमन रेशियो 1 है ना, तब भी आपका जो सम है वो इनफाइनाइट होगा, उस वाले केस में भी सम पॉसिबल नहीं है। अब इन सब चीजों को मैं समराइज करके लिखता हूं, 3 कंडीशन बुक ने डिस्कस की नहीं है, 2 में सम पॉसिबल नहीं है, 1 में सम पॉसिबल है, इन्हीं चीजों को हम कंबाइन करके लिखते हैं। पहला पॉइंट, जब आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होगी। अब इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहने दो, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो, ये इस मॉड का मतलब होता है। तो ये जो आपने कंडीशन लिखी हुई थी ना, इस कंडीशन और इसको एक साथ अगर आप लिखो, तो एक साथ हम कैसे लिख सकते हैं? एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं,
इस तरीके से। इस कंडीशन में क्या कहता कि वन से छोटा हो, और इस कंडीशन में क्या कहता माइनस वन से बड़ा हो, तो आप एक साथ कैसे लिखोगे आर माइनस वन से बड़ा है और वन से छोटा है, मतलब 0.5। ये जो माइनस वन और वन के दरमियान ये जो सारी वैल्यूज है, वन और माइनस वन के दरमियान जो सारी वैल्यूज है, क्योंकि जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो वो वन से कम ही आएगी। ये चीज तो ये जो चीज लिखी है ना वन और माइनस वन के दरमियान, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने माइनस 0.8 पुट किया, माइनस 0.8 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 0.8 जो कि वन से कम होती है। तो कहने का मतलब अगर आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन हो, जिसका दूसरा मतलब क्या है कि आर वन और माइनस वन के दरमियान हो, तो आपका सम पॉसिबल है। सम पॉसिबल किस सिचुएशन में नहीं है, जब आप आर की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन वन हो। अब इसका क्या मतलब है, अगर आर आपका वन से ग्रेटर हो, फॉर एग्जाम्पल आर आपका टू है, तो टू की एब्सोल्यूट वैल्यू टू होती है, टू ग्रेटर देन वन है। इसी तरह आर अगर आपका फाइव है, टेन है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरह अगर आर आपका माइनस वन से छोटा है, माइनस वन से छोटा होने का मतलब फॉर एग्जाम्पल माइनस फाइव, माइनस फाइव की जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो फाइव आएगी जो कि ग्रेटर देन वन होती है। तो ये जो चीज लिखी हुई है ना इसके दो मतलब है। इसका मतलब क्या है, या तो आर वन से ग्रेटर होगा या आर माइनस वन से छोटा होगा। इन दोनों कंडीशन को अगर आपने एक साथ लिखना तो आप इस तरह लिखोगे। तो ये दोनों जो मैंने अलग अलग आपको बताई हुई थी ना उसको एक साथ आप इस तरीके से लिखोगे। और तीसरी कंडीशन क्या बताई थी, जब आर इक्वल टू वन हो, तो दूसरी और तीसरी कंडीशन में सम आपका पॉसिबल नहीं है, सम नॉट पॉसिबल, जबकि पहले वाली कंडीशन में जो आपका सम है वो पॉसिबल है। और पॉसिबल का मतलब कि सम फाइनाइट आएगा, जबकि इन वाले केसेस में सम जो है वो आपका इनफाइनाइट होगा। और वो दो तीन बातें क्या है इसके अंदर, बुक ने दो टर्मिनोलॉजी यूज की है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। बहुत इजी है, समझ जाओगे आप कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है जब आपका सम की कोई वैल्यू आ रही है, कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जाम्पल टू थ्री फाइव, ये जो पहला वाला केस था ना, इसमें आप बोलोगे सीरीज कन्वर्जेंट है। सीरीज के कन्वर्जेंट होने का मतलब ये होता है कि जब आप सम निकालते जा रहे हो ना, सम मतलब एक वैल्यू पे रुकता जा रहा है। जैसे वैल्यू अगर आप देखो 0.6 के आसपास वैल्यू होगी जिसपे आपका सम रुक जाएगा, तो आप उसको कहोगे कन्वर्ज कर गया, एक वैल्यू पे रुक गया है। जबकि बाकी जो केस है ना, इसमें आप बोलोगे सम डाइवर्जेंट, मतलब जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट का मतलब किसी खास वैल्यू पे रुक नहीं रहा, सम आपका या तो बढ़ता जा रहा है या सम आपका ना ऑल्टरनेट हो रहा है। जैसे अगर आप इसमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव रुक तो नहीं रहा किसी वैल्यू पे, डाइवर्ज ही हो रहा है, ना रुक रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव इसी तरह चलता जा रहा है। तो डाइवर्जेंट दोनों मतलब इसके होते हैं, या तो सम आपका बहुत बड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल इनफाइनाइट हो, या अगर आपका सम पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान है, दोनों केसेस को आप बोलोगे डाइवर्जेंट है यार। तो इन दो केसेस में आपकी सीरीज डाइवर्जेंट रहती है, और पहले वाले केस में जो आपकी सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती है। ये बुक ने वर्ड यूज किया है तो ये भी आपको बताना चाहिए। और आखिरी चीज के फॉर्मूला कैसे होगा, पहले वाले केस में सम पॉसिबल है ना, तो किस फॉर्मूले से आप सम निकालोगे, वो फॉर्मूला कैसे आया, इसी से आप डिराइव कर सकते हो। कैसे, आप इस तरह लिखो a को मल्टीप्लाई करो आर एन से, a को मल्टीप्लाई करो वन से। अच्छा सबसे पहली बात, r यहाँ पे छोटा होगा ना, मतलब वन से छोटा होगा, तो दैट्स व्हाई आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, आप ये वाला यूज करोगे वन माइनस आर और ये वाला, क्योंकि इस वाले केस में r आपका डेफिनेटली वन से छोटा ही होगा। तो आप क्या करो, a को मल्टीप्लाई करो, a को वन से मल्टीप्लाई करो, a को आर एन से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा डिवाइड बाय वन माइनस आर। उसके बाद आप एलसीएम ब्रेक कर दो, इसको आप इस तरह लिख सकते हो a अपॉन वन माइनस आर, a आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर, इसको ब्रेक कर सकते हो। ये जो बच्चों चीज है ना, ये आपकी जीरो के बराबर हो जाएगी। अगर आपका n बहुत बड़ा है ना तो ये चीज जीरो हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि इसमें r की पावर n आ रहा है। और मैंने अभी बताया था अगर आपके पास कोई वन से छोटा नंबर लिखा हुआ है और अगर आप इसकी पावर बड़ी करते जाओ तो आपका आंसर बहुत छोटा होता जाता है। आप 0.5 की पावर 10 निकालना, देखना कितना छोटा आंसर होता है। तो यहां जब आपका नंबर ऑफ टर्म बढ़ती जाएंगी, इनफाइनाइट होती जाएंगी, तो ये चीज जीरो के बराबर हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगी। तो अगर ये चीज जीरो है तो ये पूरे न्यूमरेटर को जीरो कर देगी, मतलब पूरी फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। और आपके पास पीछे बचेगा क्या, सिंपल ए अपॉन आर वन माइनस आर। तो ये बच्चों फॉर्मूला होता है पहले वाले केस में, जब आप आर आपका वन और माइनस वन के दरमियान होता है तो सम पॉसिबल है। और कैसे निकालते हो आप लोग, क्या फॉर्मूला यूज करते हो, फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, जिसमें ए होती है फर्स्ट टर्म और आर होता है यहाँ पे कॉमन रेशो। इसको आप एस एन नहीं लिखते, इसको आप एस और इन्फिनिटी का सिंबल डालते हो बताने के लिए कि आप सम टू इन्फिनिटी जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ना वो इनफाइनाइट तक इसको एड करके आंसर निकाल रहे हो इसका, दैट्स व्हाई एस इन्फिनिटी हम इसको कह रहे हैं। अच्छा फोर ना देख लो, इसमें कोई खास चीज नहीं है,
मैं एक ही सवाल करवा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया। फोर बड़ा इजी है, बस ये फॉर्मूला यूज करना है, जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया ना, बस इस फॉर्मूले को पुट करके सॉल्व करना है। मैं एक ही पार्ट, सब एक ही जैसे पार्ट है, तो मैं एक करवा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर थ्री कर लेते हैं। बाकी पार्ट में भी अगर आप देखो तो खास चीज नहीं है, सब में कॉमन रेशियो वन से कम है। असल चीज तो ये वन से कम होना चाहिए। पार्ट नंबर थ्री में ये ज्योमेट्रिक सीरीज देखी हुई है, और सवाल क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। देखो यही सवाल अगर होता ना और लिखा जाता है कि फाइंड द सम टू एन टर्म्स, तो अब आप फॉर्मूला अलग यूज करते हैं। लेकिन अब आपको बोला सम टू इनफाइनाइट टर्म, अब आप फॉर्मूला अलग यूज करोगे। है ये वैसे दोनों एक ही फॉर्मूले, लेकिन वही मैंने बताया कि नंबर ऑफ टर्म अगर इनफाइनाइट होंगी तो ये वाली चीज इसके बराबर हो जाएगी। तो कैसे सॉल्व करोगे जरा आज? सबसे पहले तो बच्चों आमतौर पर ये जो फॉर्मूला है ना, अगर आपका आर ग्रेटर देन वन हो तब भी आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। करने का इन द सेंस कि फॉर्मूला आपको रोकेगा नहीं, अगर मैं वन से ग्रेटर कुछ पुट करूंगा ना तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन वो चीज सेंस नहीं बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें कॉमन रेशियो 10 आ रहा है, तो वो बहुत बढ़ती जा रही है, आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ये फॉर्मूला आपको आंसर दे देगा कुछ। आप आर की जगह 10 पुट करोगे, फर्स्ट टर्म फॉर एग्जाम्पल उसकी 2 है, तो ये आपको आंसर दे देगा, लेकिन वो आंसर सेंस नहीं बना रहा होगा कि इतनी बड़ी ज्योमेट्रिक है और देखना आंसर कितना फालतू सा आ रहा होगा। तो ये फॉर्मूला आर की ग्रेटर देन वन वैल्यू पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर्मूला तंग नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आप पुट करोगे तो फॉर्मूला कहेगा एरर आ रहा है, नहीं, फॉर्मूला आंसर दे देगा लेकिन वो सेंस बन रही होगी इस बात की। तो ये फॉर्मूला आपने उसी वक्त इस्तेमाल करना है जब आर लेस देन वन हो। अगर वन लेस देन वन नहीं है, बिलफर्स पेपर में ऐसा सवाल आ जाए बिलफर्स कि उसमें आर ग्रेटर देन वन है, तो आप लिख देना कि भाई सिंस आर इज ग्रेटर देन वन, इस इंफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम पॉसिबल नहीं है। ये नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला पाएगा। इसी तरह अगर आप यहां पर देखो, इसकी फर्स्ट टर्म है 9/4 और कॉमन रेशियो है, निकाल लो आप 3/2 / 9/4, तो 3 1 3 3 3 9 2 1 2 2 4, तो ऊपर तो 1 बच गया, नीचे है 3/2, मतलब ये सिचुएशन है। डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाती है 2/3, तो आप देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो 2/3 आ रहा है, आप हर टर्म को 2/3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 2/3 डेफिनेटली लेस देन 1 है, तो लिख दो सेंस आर इज लेस देन 1, therefore sum to this infinite geometric series is possible, या बोल दो exist, कि sum इस infinite geometric series का exist कर रहा है या possible है या finite है, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब formula apply कर दो, formula क्या कहता है, a/(1 - r), बहुत easy है। first term यहाँ पे 9/4, 1 - r है यहाँ पे 2/3, तो 3 1 3 3 - 2 1 होता है, सॉल्व कर लो इसको 9/4/3। फ्रैक्शन बहुत दफा मैंने आपको बताएंगे, ये जो 3 है ना ये ऊपर जाके 9 से मल्टीप्लाई होता है, तो आपके पास आंसर आएगा 27/4, ये इस ज्योमेट्रिक सीरीज का आंसर आ रहा है। 27/4 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.75 आंसर आ रहा होगा। और अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हो ना, आप इसकी शुरू की 10 टर्म ले लो, आप खुद ऑब्जर्व करोगे आपका आंसर 6.75 के करीब होगा। ये शुरू के 2 टर्म इनको ऐड करो, फिर शुरू के 4 5, यार 6.75 लगता तो नहीं है, हो सकता है 6.9 कैलकुलेशन सही किया मैं, 2/3 1/3 हो जाएगा, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, हाँ सही है 27/4 ही आ रहा है। हाँ शुरू के 10 टर्म आप ऐड करके देख लेना, आंसर आपका 6 के करीब आ रहा होगा, क्योंकि मैं करके देख लेता ना, थोड़ा आइडिया भी होता है वहां पे। 9/4 क्या होता है, सिंपल 2.25, उसके अंदर ऐड करो 1.5, उसके अंदर ऐड करो 1, तो 0.66, इसके बाद जो टर्म होगी वो होगी 4/9, 4/9 इज ऑलमोस्ट 0.49 समथिंग, तो शुरू की 5 टर्म का सम आ रहा है 5.9। अब तो मेक सेंस कर रही है बात, ये शुरू की 5 टर्म का मैंने सम निकाला है, सम आ रहा है 5.9 के करीब, तो डेफिनेटली इनफाइनाइट टर्म तक लेके जाओ, ऐसा ऐसा सम छोटा होता जाएगा ना, इसके बाद जो टर्म्स होंगे छोटी होती जाएंगी, लेकिन 5.9 से आपके पास सम जो है वो तकरीबन 6.75 आ रहा होगा, सही है। इस तरीके से आप निकालोगे क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि सब में जो कॉमन रेशियो वो लेस देन 1 है। 4.7 में आपने जो टॉपिक है वो दो पढ़े, एक तो टॉपिक आपने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, फिर आपने टॉपिक पढ़ा था इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड है, उसको पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि जो a है ना वो बराबर है किसके, b/2 + b²/4 + b³/8 up to dot dot dot,
तीन डॉट डालने होते हैं। लिखा हुआ इफ बी जो है वो जीरो और टू के दरमियान है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं दी, इतना बोला जीरो और टू के दरमियान है, तो वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, आपको क्या प्रूफ करना है कि बी जो है वो बराबर है टू ए अपॉन वन प्लस ए। देखो सवाल में एक चीज मिसिंग है, वो मिसिंग ये है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि जो सीरीज चल रही है ये एन टर्म्स तक चल रही है या इनफाइनाइट टर्म्स तक चल रही है, ये नहीं बताया इन्होंने। लेकिन जहां जिस टॉपिक के अंडर ये सवाल आया हुआ है और जो इसका प्रूफ करने को आपको बोला हुआ है, वो उसी वक्त प्रूफ होगा जब आप इसको एज्यूम करोगे कि सीरीज जो है ये एक इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉमन रेशो बी अपॉन टू है यहाँ पे, आप इसको बी अपॉन टू से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, इसको बी अपॉन टू से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, साथ आपने इन्फिनिट की कंडीशन भी कंसिडर करनी है, वरना ये चीज प्रूफ नहीं हो पाएगी। तो एक इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का केस है आपको प्रूफ करने की बी जो है वो इसके बराबर है। अब कैसे प्रूफ करोगे जरा उस पर आ जाओ। सबसे पहले इसको हम दोबारा लिख लेते हैं कि ए इज इक्वल टू बी अपॉन टू प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर प्लस बी क्यूब अपॉन एट अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ऊपर भी लिखते हैं ना। तो ये एक बेसिकली इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, मेंशन कर दो कि एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। कैसे पता चला, रेशो सेम है इसका, तो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें अगर आप डेटा की बात करो गिवन आपको क्या है, जो फर्स्ट टर्म गिवन है, मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी ए लिखा हुआ है, आप उस फर्स्ट टर्म वाले ए से कंफ्यूज नहीं कर देना, ये वाला ए डिफरेंट है और फर्स्ट टर्म जो होती है वो डिफरेंट होती है, दैट्स हमें ए ने लिखा, मैं डायरेक्ट फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, बी अपॉन टू, अच्छा कॉमन रेशो यहाँ पे क्या है, वो भी बी अपॉन टू है। आप या तो दो तरीके से मालूम कर सकते हो ना, देखो बी अपॉन टू से आप हर टर्म को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, इस तरह भी आप समझ सकते हो, या आप रेशो निकाल के देख लेना दो टर्म का, तब भी बी अपॉन टू आ रहा होगा। तो ये डाटा आपको गिवन है, सवाल ये कि आप इसका सम निकालो। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, नोटेशन इसको डिफरेंट दे दो, आप इसको कैपिटल या इस तरह बोल दो, ए वन कह दो इसको, इस तरह लिख दो, ठीक है। आप अपने हिसाब से फॉर्मूला को चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है, चीजें सेम थी इसलिए मैंने डिफरेंट करने के लिए ए वन कह दिया, ए वन यहाँ पे फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म है बी अपॉन टू वन माइनस आर, आर यहाँ पे क्या है, वो भी बी अपॉन टू के बराबर है, ऊपर भी बी अपॉन टू, नीचे क्या होगा, टू को मल्टीप्लाई करो वन से, माइनस करो बी से, तो टू माइनस बी अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, सम टू इन्फिनिटी आपके पास क्या आ रहा है, बी अपॉन टू माइनस बी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो सीरीज आपके पास राइट हैंड साइड पे पूरी लिखी हुई है ना। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे बताना आप लोगों को भूल गया कि इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज की कल शर्त क्या बताई थी कि आर जो है वो वन और माइनस वन के दरमियान होना चाहिए, तो अब तो ये बी अपॉन टू लिखा हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा ये पूरी चीज वन से छोटी है, तो इसके लिए उन्होंने ये चीज गिवन की हुई थी आपको, उन्होंने आपको बी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई, बी के बारे में आइडिया आपको दे दिया कि बी जो है वो जीरो और टू के दरमियान है। देखो कोई भी क्वांटिटी अगर जीरो और टू के दरमियान होगी और अगर आप उसको टू से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा वन से कम ही आएगा, आंसर वन के बराबर कब आएगा, जब बी टू के बराबर होगा, बी टू के बराबर नहीं है, बी टू से कम कम है, तो जब भी न्यूमिनेटर में आप टू से कम कुछ पुट करोगे तो डेफिनेटली आंसर वन से छोटा ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर टू और अगर न्यूमिनेटर छोटा होगा तो आंसर आपका वन से कम होगा। तो ये देने की वजह ये थी कि वो आपको बताना चाह रहे थे कि इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज वो है जिसमें कॉमन रेशो वन से छोटा है, दैट्स व्हाई आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आप आगे कॉमन रेशो लिखने के बाद ना इस तरह लिख देना कि लेस देन वन है, दैट्स व्हाई मैं इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट इस तरह लिखना चाह रहे हो, अगर आप इसको दूसरे अंदाज में लिखना चाह रहे हो तो इस तरह लिख देना, जो हमने कल पढ़ा था ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन वन होनी चाहिए। तो पहले आप आर इस तरह मेंशन कर दो और आगे लिख दो, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले लिख दो कि इस लाइन से पहले लिख देना कि सिंस आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन है देयरफॉर मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, तो दैट्स व्हाई इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना। पर ये जो राइट हैंड साइड की पूरी सीरीज थी ना इसका आपने सम मालूम कर लिया, सम क्या आया, बी अपॉन टू माइनस बी, और सवाल में इस पूरी चीज का सम किसके बराबर था, ए के बराबर था। भाई इस पूरी सीरीज को जब ऐड करोगे तो रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है, तो उसका मतलब ये वाली चीज इंप्लाइज है कि ये जो पूरा सम जो है b अपॉन टू माइनस बी ये किसके बराबर होना चाहिए, a के बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो सम टू इन्फिनिटी है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहां से हो गया कि a बराबर है b अपॉन टू माइनस बी के, बस किसी कंडीशन को आपने थोड़ा चेंज करना है और आपके पास जो सवाल है वो प्रूव हो जाएगा। कैसे, टू माइनस बी को जाके a से मल्टीप्लाई कर दो,
हो जाएगा। अब आप टू को ऐसे मल्टीप्लाई करो, टू है, ए को माइनस बी से करो तो माइनस ए बी। आपने किसी तरह बी कॉमन लेना है, बी कॉमन कैसे लोगे, इस माइनस ए बी के टर्म को उधर ले लो, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप इन दोनों टर्म में से बी कॉमन लो, ये हो जाएगा ए प्लस वन, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, उस पूरी चीज को डिवाइड कर दो, तो बी बराबर हो जाएगा टू ए अपॉन वन प्लस ए, जो कि आपको सवाल में प्रूफ करना है। तो सवाल आपका प्रूफ इस वक्त होगा जब आप इसको इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कंसीडर करोगे, जिसका कॉमन रेशियो डेफिनेटली लेस देन वन है, क्योंकि उन्होंने सवाल में इन्फॉर्मेशन आपको दी भी थी। इस तरह आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, बेहतर हम पहले जो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के चल रहे ना, वो भी वैसे इन्फिनिट ज्योमेट्रिक है, लेकिन पहले चलो वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। सेवन में वर्ड प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ था, सम ऑफ एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म। वो कह रहे हैं कि एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसको जब आप एड कर रहे हो तो जो उसका सम आ रहा है वो हाफ है, अगर आप उस इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज की टर्म को स्क्वायर करो ना, और स्क्वायर करने के बाद सम निकालो, तो स्क्वायर करने से पहले जो सम आया है वो हाफ है स्क्वायर करने के बाद। ये मेक सेंस कर रहा है ना, जब आप किसी टर्म को स्क्वायर करते जाओगे तो आप बड़ा करते जाओगे इसको, जब आप सम करोगे तो सम भी बड़ा आ रहा होगा। तो सिंपल इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हाफ है एज कंपेयर टू अगर आप उस टर्म को स्क्वायर करो और फिर सम वापस करो, तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या लिखी हुई है, इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म इज 4 1/2। आपको बोला हुआ है कि अगर शुरू की दो टर्म का सम आपको दे दिया है, ये दूसरी कंडीशन गिवन है, निकालना क्या है, फाइंड द सीरीज। आपको सीरीज यहां पे मालूम करनी है, सीरीज मालूम करने का मतलब शुरू की तीन चार टर्म आप मालूम करके दिखा दोगे तो पूरी सीरीज एक बन जाएगी। जैसे शुरू की तीन टर्म आपको पता थी ना, तो एक सीरीज आपने बना ली। इसी तरह समझ लो मिनिमम तीन टर्म आपको निकालनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा सीरीज फॉर्म में, आप उसको मेंशन कर दोगे। तो इन दो कंडीशन से आपने सीरीज मालूम करनी है। अब कैसे मालूम करेंगे जरा देखो, सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, मैं दूसरी वाली कंडीशन पहले इस्तेमाल कर रहा हूं, आप पहली वाली भी कर सकते हो, पेपर में आपकी मर्जी जो भी करना है कर लो, बस नुकसान ही होगा वो आपको समझ आ जाएगी, इतना ऐसे उसको नुकसान नहीं है उसका, लेकिन मैं पहले दूसरी इस्तेमाल कर रहा हूं, बाद में आपको पता जाएगा क्यों मैंने दूसरी इस्तेमाल की थी। लिखा हुआ है द सम ऑफ इट फर्स्ट टू टर्म, शुरू की दो टर्म क्या होती है इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज में, पहली होती है ए और दूसरी होती है ए आर। नॉर्मल ज्योमेट्रिक में भी तो यही पढ़ी थी ना आपने, सिंपल पहली टर्म ए होती है दूसरी टर्म ए आर होती है। तो शुरू की दो टर्म का सम आपको सवाल में गिवन है, किसके बराबर है 4 1/2। अब इस कंडीशन का इस्तेमाल करें क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा और क्या गिवन था, नहीं और कोई खास चीज गिवन नहीं थी, देख लेते हैं। तो जरा इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, ए कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा 1 + r, इसको सिंपलीफाई करो 2 4 8 8 + 1 9/2, ये सिचुएशन बन जाएगी। यहां से ना हम असल में ए की वैल्यू निकाल दें, क्योंकि वो बाद में पुट करके हम आर के फॉर्म में पूरी इक्वेशन बना लेंगे, तो 1 + r को डिवाइड करवा दो जाके 2 1 + r, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब ये दूसरी कंडीशन में इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में आपके पास दो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज की बात की जा रही है, कौन कौन सी, सबसे पहले बात की जा रही है नॉर्मल इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसको मैं S1 कह देता हूं। सिंपल इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज की जनरल फॉर्म क्या होती है, ये वाली होती है, अप टू इनफाइनाइट टर्म तक आप जा रहे होते हैं, आगे ले देता हूं इनफाइनाइट। तो एक तो इसका जिक्र किया उन्होंने, और दूसरी का जिक्र किया है कि जो इनके स्क्वायर होगी वो बाद में देखते हैं। इसका सम क्या होता है, इसके सम का फॉर्मूला आपने देखा हुआ है A/(1 - r) होता है। अब दूसरी की बात करते हैं, दूसरी कौन सी थी, दूसरी सीरीज कैसे आई कि आप इसकी टर्म्स को स्क्वायर कर दो, ए है तो ए स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर 4। इस तरह तो जो दूसरी सीरीज जिसका जिक्र किया गया था वो स्क्वायर करके आएगी, जितनी भी टर्म्स थी ना आपने उसको स्क्वायर किया और फिर आपने उसको ऐड करना है। तो जरा इसका सम मालूम करते हैं, फॉर्मूला यही अप्लाई करो, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ऑब्जर्व करो आप हर टर्म को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ये आएगी, इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ये आएगा, और आप डिवाइड करके भी देख सकते हो आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन रेशियो, तो नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। जब आपने दोनों निकाल ली, अब सवाल में कंडीशन क्या गिवन थी उसका इस्तेमाल करो, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये दूसरी दफा जुमला लिख रहे हो, खैर कोई मसला नहीं। गिवन कंडीशन क्या आती है कि जो सिंपल इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है ना उसका सम जो है वो हाफ है अगर आप स्क्वायर इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालो, ये कंडीशन सवाल में हो गया। अब जरा इस कंडीशन का इस्तेमाल करके हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, असल में हमारे पास दो अननोन है यहाँ पे ए और आर, जैसे आपको ए और आर पता चल जाए
तो आप आराम से सीरीज मालूम कर सकते हो। तो एक इक्वेशन बन गई है, अब दूसरी इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो, आपके पास ए और आर। एस वन क्या है यहाँ पे, ए अपॉन वन माइनस आर, वन अपॉन टू। एस टू क्या है, ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर। ए से ए आपने कैंसिल कर दिया, अब क्या बचेगा, यहां पे बचा वन, यहां नीचे बचा वन माइनस आर, ऊपर बचा ए, इसको इस तरह लिख दो, खाली ए लिख दो, नीचे टू है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है वन माइनस आर स्क्वायर, इस पर फॉर्मा लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वन को आप स्क्वायर लिख सकते हो ना, वन का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये मैंने वन माइनस आर स्क्वायर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मा लगा दिया। फायदा मुझे क्या हुआ कि वन माइनस आर और वन माइनस आर कैंसिल हो गया, तो मेरी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी, इसलिए किया मैंने सब। अच्छा जी, तो यहां से ये जो टू वन प्लस आर है इसको वन से मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज आ गई। अब आपकी मर्जी है, इस ए की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दो, दैट्स व्हाई मैंने पहले ये वाला काम किया था। अगर आप वही ना, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, अगर आप पहले ये वाली वर्किंग कर लेते ना, तो इसको वन बोल देते, यहां से जो ए की वैल्यू आई थी उसको पुट कर देते वहां पे, कोई ऐसे फर्क नहीं है इसके अंदर। जो ए की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर वन के अंदर, इक्वेशन नंबर वन है, ए की जगह पुट कर दो, टू वन प्लस आर इज इक्वल टू नाइन अपॉन टू वन प्लस आर। तो ये टू वन प्लस आर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू टू जा फोर, और वन प्लस आर, वन प्लस आर, ये हो जाएगा वन प्लस आर का होल स्क्वायर। ये वो कंडीशन है जिसके तहत आपने यहां से वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा उस पर आ जाओ। अभी को यहां इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप वन प्लस आर होल स्क्वायर पे फॉर्मुला अप्लाई कर दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आर की दो वैल्यू आएंगी, एक ये तरीका। दूसरा तरीका है कि आप इसको ओपन ना करो, आप डायरेक्ट फोर को डिवाइड करवा दो, तो ये हो जाएगा वन प्लस आर का होल स्क्वायर, फोर को डिवाइड करवा दो तो ये हो जाएगा नाइन अपॉन फोर। ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल वन प्लस आर बच जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, थ्री नाइन का स्क्वायर रूट थ्री, फोर का स्क्वायर रूट टू। तो ये आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वन को उधर ले जाओ नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आर की दो वैल्यूज आपको इस तरह मिल जाएंगी। तो पहली दफा आप प्लस कंसीडर करो, दूसरी दफा माइनस कंसीडर करो, तो एक आर की वैल्यू होगी माइनस वन प्लस थ्री अपॉन टू, एक होगी आर की वैल्यू माइनस वन माइनस थ्री अपॉन टू। तो टू को माइनस वन से करो माइनस टू, माइनस टू प्लस थ्री, ये हो जाएगा वन, तो आर का आंसर आएगा वन अपॉन टू जो हम कंसीडर करेंगे। ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसकी वजह है, वजह क्या है, टू को माइनस वन से करो माइनस टू, माइनस टू माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन टू। डिस्कार्ड कर दो इस वैल्यू को, क्यों क्यों डिस्कार्ड किया, क्योंकि यहां पे जो r की एब्सोल्यूट वैल्यू वो ग्रेटर देन वन आ रही है। माइनस फाइव अपॉन टू की जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड जब लोगे तो आंसर आएगा फाइव अपॉन टू, नेगेटिव हट जाएगा। फाइव अपॉन टू क्या होता है, टू पॉइंट फाइव, टू पॉइंट फाइव ग्रेटर होता है वन से। सवाल में कंडीशन उन्होंने यही तो दी हुई थी कि सम इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का, सम की बात की है ना, तो भाई इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम जो है वो एग्जिस्ट उस वक्त करता है जब ये लेस देन वन हो। अगर ये चीज ग्रेटर देन वन होगी तो ये तो सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, सम तो निकाल ही नहीं सकते आप। तो अगर सवाल में सम की कंडीशन गिवन है, इसका मतलब ये वो वाली ज्योमेट्रिक सीरीज है इन्फिनिट जिसका सम आप निकाल सकते हो, और जिस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकाल सकते हो उसका आर हमेशा लेस देन वन होना चाहिए, ग्रेटर देन वन पे आप नहीं निकाल सकते। तो दैट्स व्हाई इस वैल्यू को मैं यहाँ पे डिस्कार्ड कर रहा हूं, ये वजह है। तो हम कौन सी आर की वैल्यू लेंगे, वन अपॉन टू लेंगे। अब इस आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो, या आप इस पे पुट कर सकते हो, ये थोड़ी इजी है, इसको हम टू कह देते हैं, ये थोड़ी इजी है, यहां पे पुट कर देते हैं। अच्छा, तो इक्वेशन नंबर टू में पुट करो, ए इज इक्वल टू टू वन प्लस आर, आर क्या वन अपॉन टू, टू वन जा टू, टू प्लस वन थ्री अपॉन टू। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ रही है, थ्री के बराबर आ रही है। जैसे आपके पास आर और फर्स्ट टर्म आ जाए, अब आप आराम से इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज निकाल सकते हो। हेंस जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है उसकी शुरू की तीन टर्म क्या होती है, ये होती है शुरू की तीन टर्म। तो आप निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म है थ्री, दूसरी टर्म होती है ए आर, थ्री को मल्टीप्लाई करो आर से, ये हो जाएगा थ्री अपॉन टू। तीसरी टर्म है ए आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे वन अपॉन फोर हो जाएगा, तो थ्री को मल्टीप्लाई करो वन अपॉन फोर से, थ्री अपॉन फोर। और इस तरीके से आपके पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई है। इसमें अगर आप देखो, फर्स्ट टर्म थ्री है और कॉमन रेशियो वन अपॉन टू है, आप हर टर्म को वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो सवाल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एट है, क्वेश्चन नंबर एट है, ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है,
उसकी वैसे समझने में है, असल समझ लो वरना बड़ा इजी है करके। देखा भाई, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तकरीबन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड जो है वो इक्वल है। आपको बोला है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स है ना, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है आपने। मिड पॉइंट होता है दरमियान वाला पॉइंट। कंसीडर करो दरमियान वाला पॉइंट इस साइड का भी यहाँ पे होगा। इस तरह इस वाली साइड का तकरीबन अंदाजन यहाँ पे होगा मिड पॉइंट, और इस वाली साइड का तकरीबन यहाँ पे होगा। आपके पास स्केल हो तो आप आसानी से मेजर कर सकते हो कि दरमियान वाला पॉइंट कौन सा है। तो इन मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना है। तो इन मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिया। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग हाफ द पेरिमीटर ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल इज ऑब्टेंड। वो कह रहे हैं कि जब आप ओरिजिनल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल मौजूद था, जब आपने इनके मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया, तो जो आपके पास ट्रायंगल आ रहा है वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका जो पेरीमीटर है वो हाफ है, मतलब आधा है एज कंपेयर टू बड़ा वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब सवाल है कि पेरीमीटर क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में ही बताया था कि जो आपके पास ज्योमेट्रिक शेप होती है ना, उसकी साइड्स की लेंथ को आपस में ऐड कर दो तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। ट्रायंगल के अंदर तीन साइड होती है तो तीन साइड की लेंथ को ऐड करो, पेरीमीटर कहलाता है। तो सवाल ये आपको दिया हुआ है कि जो अंदर छोटा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है ना, इसका पेरीमीटर हाफ है एज कंपेयर टू जो बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बताना चाह रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है? वी फॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इक्विलेटरल ट्रायंगल इन दिस मैनर। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, एक के अंदर दूसरा। इस तरह समझ लो कि जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर छोटा वाला है, फिर मजीद आप बनाते जाओ। कैसे? ये टेढ़ा बना हुआ है यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका मिड पॉइंट निकालो, इसका मिड पॉइंट निकालो, इसका मिड पॉइंट निकालो, ज्वाइन कर दो आपस में। ये देखो एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। फिर यही काम करते जाओ, इसका मिड पॉइंट निकालो, इसका मिड पॉइंट निकालो, इसका मिड पॉइंट निकालो, ये लो एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। फिर ये काम आप दोबारा करते जाओ। तो कहने का मतलब आप इस तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते जाओ तो होगा क्या? वी फॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इक्विलेटरल ट्रायंगल इन दिस मैनर विद द ओरिजिनल ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर 5/2। आपको जो ओरिजिनल बड़ा वाला ट्रायंगल था ना, उसका पेरीमीटर दे दिया 5/2 है। बाकी जो जितने आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते जा रहे हो वो हाफ हाफ होते जा रहे हैं। अब इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी? जो सबसे पहला ट्रायंगल है, अब इस तरह लिखो पैरामीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। जो फर्स्ट ट्रायंगल था उसका पैरामीटर, जो ओरिजिनल जिसको वो बोल रहे हैं, जो सबसे पहला था जिसको ओरिजिनल का नाम दिया उन्होंने, तो पहला जो ट्रायंगल था उसका पैरामीटर 5/2 था। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन थी? कि जो आपने बड़े वाले ट्रायंगल से जो छोटा वाला बनाया था ये वाला, इसका जो पैरीमीटर था वो हाफ था इसके कंपेरिजन में। इसका मतलब ये पैरीमीटर की स्पेलिंग गलत है, पैरीमीटर, क्योंकि पैरामीटर अलग चीज होती है। तो पैरीमीटर ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, जो इसका पैरीमीटर है ना उसका हाफ होगा। 5/2 का हाफ क्या होता है? 5/4। मतलब 5/2 को आप डिवाइड कर दो 2 से तो आंसर क्या आएगा? 5/4 आएगा। तो आपने इस तरह हाफ ऑफ कर दिया। इसी तरह पैरीमीटर ऑफ थर्ड ट्राइंगल, 5/4 का हाफ क्या होता है? 5/8। तो जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसका हाफ कर दो तो छोटे वाले ट्राइंगल का पैरीमीटर आ जाएगा। तो बड़े वाला का पैरीमीटर 5/2 था, फिर इस वाले का पैरीमीटर 5/4 हो गया, फिर ये जो बना हुआ है इसका पैरीमीटर जो है 5/8 हो गया, फिर जो छोटा है इसका पैरीमीटर हो जाएगा 5/16। इस तरह पैटर्न पूरा चलता जा रहा है। अब सवाल क्या है? व्हाट विल बी द टोटल पैरीमीटर ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स फॉर्म इन दिस पे। वो कह रहे हैं कि टोटल पैरीमीटर बताओ कितना होगा, मतलब सम बताओ पैरीमीटर्स का। अब देखो ये चीज रुकेगी नहीं, ये एक इनफिनिट पैटर्न है। आप इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक वक्त आएगा आपको दिखने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन अगर आप इसको जूम करोगे तो बनता जाएगा। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप बनाते रहो बनाते रहो। जो ओरिजिनल आपने ट्राइंगल दिया है इसकी जो साइड्स है उनकी लेंथ को बहुत बड़ा कर दो तो इसके अंदर ट्राइंगल्स बनते जाएंगे बनते जाएंगे, पैटर्न कभी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाना होगा। तो कहने का मतलब आपके पास इनफिनिट ट्राइंगल्स है, उनके पैरामीटर्स आपको पता है 5/2, 5/4, 5/8, तो आप आसानी से इनका सम मालूम कर सकते हो, क्योंकि एक इनफिनिट सीरीज है जो कि ज्योमेट्रिक है, हमें पता चल जाएगा। रेशियो निकालोगे तो ज्योमेट्रिक आएगा। ठीक है, तो हम किस तरह मालूम करेंगे? टोटल पेरीमीटर, जिसको मैं कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो कैसे निकालोगे? 5/2 + 5/4
प्लस फाइव अपॉन एट, और ये पैटर्न चलता जा रहा है अब टू इनफिनिट टर्म्स। सब आप इसका मालूम कर सकते हो, क्यों? क्योंकि एक इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। कैसे पता चला? क्योंकि कॉमन रेशो सेम है, कॉमन रेशो यहां पे 1/2 है, आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो यह आएगा, इसको 1/2 से करो यह आएगा। तो फर्स्ट टर्म इसकी है 5/2 और जो कॉमन रेशो है वो यहां पे है 1/2। तो आप सम मालूम कर सकते हो, सम किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे जो पूरा सम आएगा वो टोटल पैरामीटर है कैपिटल पी से, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 - r, ए है यहां पे 5/2, आर है यहां पे 1/2। तो 1 में से 1/2 निकालोगे, पीछे 1/2 ही बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ रहा है 5। तो कहने का मतलब जितने भी ये इनफिनिट इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं ना, उनका अगर आप पेरीमीटर का टोटल सम करोगे तो वो सम किसके बराबर आ रहा होगा, 5 के बराबर आ रहा होगा। ये है इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का कमाल, क्या आप इन वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। 5 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द वल्गर फ्रैक्शन। यार ये जो वल्गर फ्रैक्शन है ना, ये कॉमन फ्रैक्शन को आप कहते हैं। कॉमन फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें सिंपल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर लिखा हुआ है, जैसे जो भी आप देखते हुए आ रहे हो 2/3, 4/5, ये जितने भी सब कॉमन फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो कॉमन फ्रैक्शन का दूसरा नाम होता है वल्गर फ्रैक्शन। लिखा हुआ फाइंड द वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल, मतलब रिपीटिंग डेसिमल जो है ना, सिंपल सवाल है, उसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा मुश्किल सवाल से करते हैं, 1.74 से हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, 1.74, और इसके ऊपर डॉट लगाया हुआ है। इस डॉट का मतलब क्या होता है कि ये चीज रिपीट हो रही है, तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है 1.74 74 74, और ये पैटर्न पूरा रिपीट होता है। तो जिन नंबर्स के ऊपर डॉट होते हैं इसका मतलब वो रिपीट हो रहे हैं। तो आपने इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन यहां पे हम कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉन्सेप्ट। कैसे, आप ये जो 1 पॉइंट सॉल्यूशन पे आ जाते हैं ना, ये जो 1.7474 लिखा हुआ है ना, आप इसको इस तरह लिख दो। कैसे, 1 को अलग कर दो और 0.747474 इसको अलग कर दो। एक ही बात है, जो 1 को आप इसमें ऐड करोगे तो ये चीज आ रही होगी। उसके बाद इसको आप कन्वर्ट कर दो इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज में। कैसे, इसको आप इस तरह तोड़ सकते हो, आप लिखो 0.74 प्लस 0.0074 प्लस 0.00074, और ये पैटर्न चलता जा रहा है। क्या मतलब इसका, आप ना इसको अलग करते जा रहे हो, जैसे 0.74 आपने यहां पे लिख दिया, अब देखो 74 अगर आपने यहां पे लिख दिया है तो इन जगहों पे 00 आ जाएगा, तो नेक्स्ट में देखो यहां पे 00 आ रहा है और फिर ये 74 आप लिख रहे हो। अब आपने देखो शुरू के 4 डेसिमल कवर कर दिए यहां पे, तो नेक्स्ट में शुरू के 4 डेसिमल की जगह 0 मिलेगा आपको, उसके बाद 74 आप लिख रहे होंगे। बात एक ही है, आप अगर इन तीनों नंबर्स को ऐड करो ये वाली चीज आ रही होगी। तो जो डेसिमल वाले नंबर्स है ना, जो रिपीट कर रहे होते हैं, आप उसको इस तरह तोड़ सकते हो। तो ये एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, और ये पैटर्न चलता जा रहा है क्योंकि डेसिमल रूट थोड़ी ना रहे, ये तो जाते जाएंगे इनफाइनाइट तक, रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको। तो अगर आप इस पर गौर करो तो इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, जिसकी फर्स्ट टर्म जो है यहां पे अगर आप देखो तो कंसीडर करो इस सीरीज को 0.74 0.0074 0.4074, ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म है 0.74। कॉमन रेशियो निकाल लेना, आई गेस कॉमन रेशियो यहां पे 1/100 आ रहा होगा शायद, एक सेकेंड। तो कैलकुलेटर मुझे आंसर दे रहा है 74/99। तो जो आपने इसका सम मालूम किया देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, इसको फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 क्या देना, तो आपने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड ये है जो पूरे डेसिमल गिवन थे, तो ये हो गया 1। ये जो इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है इसका सम क्या आ रहा था 74/99 के बराबर। अब आप सॉल्व कर लो, 99 को 1 से मल्टीप्लाई करो और एड कर दो 74 के अंदर, तो आंसर आ जाएगा 173/99।
तो आप कैलकुलेटर में वेरीफाई कर लेना कि जब आप इस फ्रैक्शन को लिखोगे ना कैलकुलेटर में 173/1999, तो कैलकुलेटर सॉल्व करो यही चीज आ रही होगी 1.747474 इस तरह जगह होगा। तो जो रिपीटिंग डेसिमल थे जिसको रिकरिंग डेसिमल भी बोला जाता है उसको आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो इस तरह भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, कोई सवाल यहां तक? अच्छा, जो मुश्किल सवाल है मैं बता देता हूँ उसमें क्या आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। सब सवालों में ये काम करना है आपने, जो पार्ट नंबर थ्री है उसमें बड़ा इजी है, पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर थ्री में 0 पॉइंट समथिंग है, तो उसका मतलब आपको वन वाला सी नजर नहीं आएगा, डायरेक्ट ये चीज गिवन है, तो डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, तो पार्ट वन पार्ट थ्री तो आसानी से हो जाएगा। असल है पार्ट नंबर फाइव भी हो जाएगा, पार्ट नंबर फाइव में लिखा हुआ है 2.23, ये लिखा हुआ है 2.23 इसका डॉट लिखा है। अगेन वही बात, जैसे यहां पे वन के साथ था तो आपने वन अलग किया था, इसमें आप टू अलग कर लोगे, इस तरह लिखते हो, एक ही बात है, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, सेम ही कॉन्सेप्ट है पूरा। असल है पार्ट नंबर फोर में, उसमें पॉइंट के फौरन बाद रिपीटेशन नहीं हो, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1.1 और 4 और 8 के ऊपर डॉट लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है 1.1484848 ये चल रहा है पूरा, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब सवाल है इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो यहां पे आप क्या करोगे, रिपीट कौन नहीं हो रहा, ये वाला वन और ये वाला वन रिपीट पैटर्न में हिस्सा नहीं दे रहा, तो आप इसको अलग कर लो, आप लिखो 1.1 को मैंने अलग कर लिया प्लस 0 पॉइंट, अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट आपने अलग किया है, तो उसका मतलब इसकी जगह जीरो आ जाएगा, और उसके बाद पूरा पैटर्न रिपीट हो रहा है 4848 इसका रिपीट हो रहा है, तो यहां पे आप 1.1 को अलग कर लो। ठीक है, ये जो पूरे डेसिमल है इनको कन्वर्ट करना आपके लिए मसला नहीं होगा, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे मैं बताता हूं। सबसे पहले आप इसको इस तरह लिखना 0.048 इस तरह लिख दिया आपने प्लस 0, अब देखो 48 तक आप लिख दिया ना, तो आप 0.000 फिर 48, क्योंकि देखो शुरू के तीन डेसिमल आपने लिख दिए यहां पे, अब अगले में शुरू के तीन डेसिमल की जगह 0 आएगा, उसके बाद 48, फिर इसे अगला, अब देखो इसमें 5 आपने लिख दिए, जो इसके अगला आएगा वो क्या होगा, शुरू की 5 आपने 0 कर देने फिर 48, इस तरह आपके पास एक पूरी सीरीज बनती जा रही है, और इस सीरीज का जब आप कॉमन रेशो निकालोगे तो आई गेस 1000 आना चाहिए, एक सेकंड 0.048 नहीं 1/100 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, दोबारा एक सेकंड वेरीफाई कर लेता हूं, 1/100 ही आंसर आ रहा है। तो मजे की बात है कि ये जो सीरीज बन रही है इसका कॉमन रेशो भी क्या है, सिंपल 0.01 के बराबर है, तो 1.1 को आपने पहले अलग कर लिया, इसको साइड पे कर दो। अच्छा, 1.1 को भी फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप, इसको तो कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, 1.1 को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 11/10, तो 1.1 की जगह लिख देना 11/10, और इस पूरी चीज को इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज से सॉल्व करना, जो आपके पास सम आ रहा होगा ना वो इस तरह फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा होगा, तो उस फ्रैक्शन को आप ऐड कर देना 11/10 में, जो फाइनल आंसर आ रहा होगा, जो फ्रैक्शन आपके पास आ रही होगी, तो वो आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। पेज नंबर 151 में लिखा हुआ है, अ बिजनेसमैन अर्नड ₹10,000 इन द फर्स्ट मंथ, पहले महीने उसने ₹10,000 कमाए, पेज 151, ₹15,000 इन सेकंड मंथ, दूसरे महीने में 15,000 कमाए, तीसरे महीने में 22,500 कमाए हैं, इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन, फाइंड द टोटल अमाउंट ही विल अर्न इन 12 मंथ, मतलब एक साल में उसने कितना कमाया। तो सीरीज यहाँ पे क्या बन रही है, 10,000, 15,000, 22,500, तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे कॉमन रेशो आप निकाल सकते हो, कॉमन रेशो क्या आ रहा होगा यहाँ पे 3/2, हाँ 3/2 आ रहा होगा यहाँ पे, आप डिवाइड करके भी देख लेना 3/2 आ रहा है, एक सेकंड दोबारा चेक कर लेता हूँ, 45,000/2, हाँ 3/2 कॉमन रेशो आ रहा होगा, तो सीरीज यहाँ पे क्या बनेगी, एग्जाम्पल नंबर वन में 10,000 + 15,000 + 22,500 + 17,000, और ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, 12 महीने की बात की है, मतलब आपको इसकी 12 टर्म तक जाना है, पहले महीने की कमाई, दूसरे की कमाई, तीसरे की, चौथे, पांचवे, करते करते 12वें महीने की, तो ये इन्फिनिट नहीं है, 12 महीने की आपको टोटल उसकी इनकम बतानी कितनी थी, तो टोटल अगर आपने बताना है तो ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, तो ऐड कैसे करोगे, सिंपल ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था उसमें ए जो है वो 10,000 हो जाएगा, कॉमन रेशो 3/2 हो जाएगा, एन जो है वो यहाँ पे 12 है, तो पुट कर दो, बुक ने पूरा सॉल्व करके भी दिखाया गया, देख लेना आपको आंसर एक मिल जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर टू जो है ना, उसमें भी एक थोड़ा सा भंड है, वो मैं बता दूं, एक कंफ्यूजन है वो भी दूर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर टू में लिखा हुआ क्या है, द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ अ प्यून वाज रुपीज 8,000 और उसके बाद क्या है, एंड आफ्टर ही सब्सिक्वेंट ईयर सैलरी वाज गिवन 15%, व्हाट टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी गॉट फॉर द फर्स्ट 12 इयर्स। वो कह रहे हैं कि भाई एक प्यून है जो कि 8,000 सैलरी ले रहा है जब उसने ज्वाइनिंग किया। अब आप इसको अपने ऊपर लो, क्या आपको जॉब करना स्टार्ट कर रहे हो तो 8,000 आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हुई है। बुक ने सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये की भी है कि उन्होंने कंसिडर ही किया कि पूरे साल में उसको 8,000 मिल रहे हैं, हालांकि सैलरी की जब बात की जाती है तो पर मंथ यूजली बात की जाती है। और ये मेक सेंस भी कर रहा है, ये एग्जाम्पल पाकिस्तानी है ना, तो 8,000 पर ईयर सेंस भी बनेगी इसकी, इसका मतलब बनेगा 8,000 पर मंथ। तो एक तो ये मिस्टेक है बुक की। तो जब पेपर में जब आप सॉल्यूशन करोगे, बच्चे पूछते हैं कि सर अगर पेपर में हमने आपके सॉल्यूशन के मुताबिक करें या बुक के मुताबिक, तो मैं बोलूंगा भाई जो सही तरीका है उसके मुताबिक करो। लॉजिक ये बनती है कि पर मंथ बात होती है ना, पहले भी अगर आप इसको ऊपर एग्जाम्पल देखो या बाकी की सैलरी की बात की जाती है तो पर मंथ सैलरी दी जाती है, पर ईयर सैलरी नहीं होती। और वो जहां पर ईयर बात की भी जाती है वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक में बात की जाती है। जब किसी को बोला था ना सैलरी देती है तो पर मंथ ही जिक्र किया जाता है। तो जब आप स्क्वायर लिखोगे ना कि मतलब पर मंथ उसकी सैलरी, आप इस तरह लिखना कि भाई डेटा जब बनाओगे ना, डेटा आप इस तरीके से बनाना कि उसकी सैलरी है 8,000 पर मंथ, एज्यूम आप ये करोगे। तो दैट्स इट, क्लैरिफाई कर दिया आपने यहाँ पे उसकी सैलरी है वो 8,000 पर मंथ। इस तरह भी लिख सकते हो कि या इस तरह लिख दो, क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये होगी, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप, मैं बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो फर्स्ट टर्म जब आप ये लोगे ना उसके आगे लिख देना कि एज्यूमिंग जो उसकी सैलरी है वो 8,000 पर मंथ है। तो अगर आप थोड़ा बुक से हटके सॉल्यूशन करो तो उनको बता दो कि आपने लॉजिक क्या लगाई, आपने एज्यूम किया कि सैलरी, ये चीज जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है कि टीचर्स बोलते हैं कि जब आपको लगे कुछ चीज मिसिंग है तो आप एज्यूम कर लो, या कोई गलत लग रहा है तो आगे मेंशन कर दो कि ये मिस्टेक है, अगर तो होगी तो हम कंपनसेट कर देंगे। तो अगर आपको लग रहा है सॉल्यूशन ठीक नहीं, आप आगे मेंशन करो। लॉजिक आपकी क्या है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 8,000 पर मंथ मिल रही है, पर ईयर 8,000 की चांस नहीं है, ठीक है। तो एक तो हम ये बाद में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 8,000 पर मंथ है तो एक साल में कितनी होगी, 8,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो ये है, तो ये सबसे बड़ी मतलब गलती की है बुक वालों ने। अब देख लो इसको पेपर में, आप इस तरह कर दो ज्यादा बेहतर है, अगर उस तरह कर दो बिल्कुल एग्जैक्ट बुक के सॉल्यूशन के मुताबिक करो तो गलती निकल भी सकती है। भाई देखो मुझे कुछ नहीं पता, पेपर कौन चेक कर रहा है आपका, हर किस्म का टीचर चेक कर सकता है। तो आप वो सॉल्यूशन करो जो बिल्कुल ठीक है, और आगे बता दो जो मुश्किल चीज है, क्रूशियल चीज जो है कि जो सवाल में आपको नजर नहीं आ रही और आप उसका एक इनडायरेक्ट मतलब ले रहे हो, तो आप आगे मेंशन कर दो ये मसला है। तो बाकी सॉल्यूशन का ठीक है, सॉल्यूशन क्या वो भी समझा देता हूँ कि भाई एक बंदा है, उसको एक जगह पे वो गया है, उसको 8,000 सैलरी मिल रही है, मतलब पहले साल जो है उसको 8,000 सैलरी मिलेगी, पहले महीने 8,000, दूसरे महीने 8,000, करते करते शुरू के एक साल पूरा उसको 8,000 सैलरी मिलेगी। तो टोटल उसकी एक साल में कितनी सैलरी है, 8,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक साल की आपको पूरी सैलरी पता चल जाएगी। फिर आपको बोला जाएगा कि अब कंडीशन क्या गिवन है कि दूसरे साल उसकी 15% सैलरी बढ़ी है। अब 15% का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चाहो तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये मैंने इस तरह लिखा है, 8,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना जो भी आंसर आ रहा है। अच्छा तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो ये होगी ना कॉमन रेशियो, यहाँ पे क्या है कॉमन रेशियो, यहाँ पे 1+15%, मैंने पहले भी बताया था आमतौर पर बच्चे आर को 15% ले लेते हैं, वो गलत हो जाएगा। जब आप इसको 15% लोगे ना इसका, तो नेक्स्ट टर्म नहीं आएगी, 15% में आपको ये पता चलेगा इंक्रीमेंट कितना हुआ है, जबकि नेक्स्ट टर्म इसकी क्या होगी, जो इनिशियल उसकी सैलरी थी प्लस इंक्रीमेंट। तो अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे 15% से, तो बस इंक्रीमेंट आ रहा होगा, ये गलती हो जाएगी। तो 1 का मतलब जो इनिशियल थी वो तो रहेगी, प्लस उसका इंक्रीमेंट 15% है। तो दैट्स व्हाई द कॉमन रेशियो 15% नहीं होगा, कॉमन रेशियो होगा 1+15%। 15% क्योंकि एक डेसिमल सिस्टम नहीं है और 1 डेसिमल सिस्टम है, तो आप इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करो, 15 को डिवाइड बाय 100 करना, 1 के अंदर ऐड करना, फाइनल आंसर आपका 1.15 आ जाएगा। तो ये आपका आर है, और एन यहाँ पे क्या होगा, एन यहाँ पे 12 होगा। अच्छा यही किस्म का सवाल आपने 4.5 में भी किया था, वहां पे एन हम एक ज्यादा किया करते थे, अगर आपको याद हो सवाल में अगर 4 साल की बात की गई है तो एन हम 5 लेते थे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर नॉर्मली ये चीज होती थी, सीरीज के अंदर नॉर्मली नहीं होती, उसकी वजह इसी सवाल को अगर मैं इजी कर दूं थोड़ा, इसी सवाल को हम करते हैं एज्यूमिंग 4 साल फॉर एग्जाम्पल, या 3 साल कर देते हैं और एग्जाम्पल आसान कर देते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। यही सवाल हो और 3 साल हो, और इसमें चेंजिंग क्या करें, वो आपको बोले कि 3 साल बाद उसकी सैलरी क्या होगी। अभी तो आपसे बोला ना कि टोटल सैलरी कितनी होगी, मतलब सम करना है आपको, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल का सम आपने मालूम करना है। लेकिन अगर आपको सम करना बोले, अगर वो आपको बोले कि यार 3 साल बाद उसकी सैलरी क्या होगी, तो अब आप एन की जगह 4 लोगे। क्यों, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है
कि पहले साल उसकी सैलरी क्या थी, कंसीडर कर लो 8,000। जैसे दूसरा साल स्टार्ट होगा उसकी सैलरी क्या होगी, 1.15 से मल्टीप्लाई कर देना, कुछ आपके पास अमाउंट आ जाएगी। ये देखो ये है पहले साल का स्टार्ट, जरा गौर से समझना। पहले साल के स्टार्ट में उसकी सैलरी जो थी 8,000 थी। आपको अगर ये बोला जाए ना कि 3 साल बाद उसकी सैलरी क्या है, इसका मतलब 3 साल बाद का मतलब चौथे साल के स्टार्ट में, भाई तीसरे 3 साल एंड हो गए दिसंबर पे, जो चौथा साल स्टार्ट होगा तो 3 साल बाद उसकी सैलरी का मतलब कि चौथे साल उसकी सैलरी क्या होगी, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पहले साल के स्टार्ट में 8,000, दूसरे साल के स्टार्ट में ये, तीसरे साल के स्टार्ट में देख लेना, ठीक है, इसी तरह चौथे साल के स्टार्ट में। लेकिन अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो, आपको जो टर्म चाहिए वो चौथे साल का स्टार्ट चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको बोला था 3 साल बाद उसकी सैलरी क्या होगी। तो 3 साल बाद का मतलब जो चौथी टर्म होगी यहाँ पे, ये पहले साल का स्टार्ट, दूसरे साल का स्टार्ट, तीसरे साल का स्टार्ट और ये चौथे साल का स्टार्ट है। अगर आप एन की जगह 3 ले लोगे ना, तो जो आपको सैलरी मिलेगी ना यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जो भी टर्म मिल रही होगी, वो टर्म होगी कि तीसरे साल के स्टार्ट पे उसकी सैलरी क्या थी, जबकि आपको बोला है कि 3 साल बाद बताओ। 3 साल बाद का मतलब चौथे साल के स्टार्ट में, क्योंकि 3 साल जब गुजर जाएंगे फिर इंक्रीमेंट लगेगा ना, तो चौथे साल में उसकी सैलरी क्या होगी जो चौथी टर्म है यहाँ पे। तो इस सवाल में तो आप एन की जगह 4 लोगे, लेकिन यहाँ पे आपसे नहीं पूछा कि 12वें साल बाद उसकी सैलरी क्या होगी, ये नहीं पूछा। सवाल ये बोला कि 12 साल में जितना उसने कमाया है बताओ कितना कमाया उसने, ये सवाल पूछा है। तो इसी एग्जाम्पल को हम 3 में रखते हैं कि बताओ 3 साल बाद उसने कितना कमाया है, ये नहीं पूछा कि 3 साल बाद उसकी सैलरी क्या होगी। आपने जैसे पूछे कि 3 साल में उसने कितना कमाया, ये सवाल आपसे पूछा है। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है, पहले साल उसने कितना कमाया, 8,000 पर मंथ थी, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले साल उसने इतना कमाया होगा प्लस दूसरे साल कितना कमाया होगा, कंसीडर कर लो 1.15 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, एक अमाउंट आ जाएगी। तो वो अमाउंट उसने दूसरे साल कमाई होगी पूरे दूसरे साल में, और जो तीसरी अमाउंट होगी वो होगा उसने तीसरे साल पूरा कितना कमाया है, 12 महीने यहाँ पे, 12 महीने यहाँ पे, 12 महीने यहाँ पे। तो जो तीसरी टर्म होगी ना, इन शुरू की 3 टर्म को जब आप ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा 3 साल में उसने कितना कमाया है। तो यहाँ पे इनकी जगह आप 3 दे रहे हो, लॉजिक का फर्क है ना। तो सीरीज के अंदर आप नॉर्मली एग्जाम्पल नंबर 1 में भी आपने वही लिया जो एन था, इसमें भी आप वही ले रहे हो, सवाल का फर्क होता है वो आपसे पूछ क्या। इसी तरह पुरानी बुकों में सवाल होता था कि यार मैंने एक स्कूटर लिया है, अभी स्कूटर की कीमत जो है फॉर एग्जाम्पल वो 30,000 है, बताओ 5 साल बाद क्या होगी, इसमें भी एन की जगह सीख लेते थे क्योंकि एड नहीं करना आपने, ये पहले साल के स्टार्ट में, पहला साल पूरा गुजर जाएगा, जो पहले साल के एंड पे होगी वो सेकंड साल के स्टार्ट पे होगी, तो सेकंड साल के स्टार्ट में उसकी कीमत होगी, फिर थर्ड साल के स्टार्ट में, फोर्थ साल के स्टार्ट में, और जो 5वां साल होगा उसके स्टार्ट में जो होगी, और 4 साल के बाद का मतलब जो 5वां साल स्टार्ट होगा। तो एन की वैल्यू आप यहाँ पे 5 ले रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो एन की वैल्यू 5 लोगे तो आपको पता चलेगा 4 साल बाद उसके स्कूटर की कीमत कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टर्म जो है वो 30,000 लेते हो, ये पहले साल की स्टार्ट की है। तो अगर आप स्टार्टिंग को देख रहे हो तो जो 5वीं वैल्यू होगी वो आपका 14 साल का एंड होगा, 5वां साल का स्टार्ट होगा। अगर आप इसको फर्स्ट टर्म नहीं लेते हो, आप इसको फर्स्ट टर्म लेते हो, तो अब सही है, यहाँ पे जो अमाउंट होगी, मतलब देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो होता है साल के स्टार्ट का रेफरेंस आप रखो या साल के एंड का रेफरेंस रखो। हम नॉर्मली रखते हैं साल के स्टार्ट में, तो ये पहले साल के स्टार्ट में, दूसरे साल के स्टार्ट में, तीसरे, चौथे और ये 5वें साल के स्टार्ट में होगी। तो 4 साल बाद का मतलब 5वां साल का स्टार्ट, मतलब चौथे साल का एंड और 5वें का स्टार्ट। तो एन की वैल्यू 5 लोगे अगर आप 4 साल बाद को बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट टर्म नहीं लेते, आप एंड का डिस्कस करते हो कि पहले साल के एंड पे एक अमाउंट आपको मिल जाएगी, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड में, चौथे साल के एंड में। अगर आप इसको फर्स्ट टर्म नहीं ले रहे तो अब आप एन की जगह 4 ही लोगे, कॉन्सेप्ट है यार ये। तो जो इसको समझ सकता है वो समझ रहे सही तरीके से, जिसको नहीं समझ आ रहा आपको रट्टा मालूम मैं क्या बोलूंगा आगे। तो सीरीज के कॉन्सेप्ट में नॉर्मली आपको नजर आता है कि हम एन की जगह जो वैल्यू होती है वही लेते हैं, जबकि सीक्वेंस आता है क्योंकि उसमें बाद का जिक्र किया जाता है ना, तो आप वो वाली टर्म ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना कि आप टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो ये आपकी पहली टर्म है, दूसरी टर्म क्या होगी 1.15 से मल्टीप्लाई कर देना जो भी टर्म आ रही होगी। मैं लिख देता हूँ, जैसे 8,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर क्या आएगा 8,000 मल्टीप्लाई 12, आंसर आएगा 96, मतलब 96,000 आएगा। तो पहले साल उसने 96,000 कमाया, अब ये लॉजिक बन रही है इसकी, एक साल में 96,000 कमाया, तो पहले साल के एंड पे उसकी टोटल सेविंग कितनी होगी 96,000, कंसीडरिंग उसने कुछ खर्च नहीं किया, जो कि वो भी मेक सेंस नहीं कर रहा, लेकिन इतना मैथ में मैसेज करते हैं। अगले साल क्या होगा, 96,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.15 से, तो अगले पूरे साल में उसने कितना कमाया होगा 1,10,400।
तो एक साल पूरे 12 महीने बाद उसके पास इतनी सेविंग होगी, ये 24 महीने बाद अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो ना, तो पहले साल और दूसरे साल, तो 2 साल की टोटल इनकम कितनी होगी ये। फिर तीसरे साल की इनकम भी कर लेते हैं, 1.15 याद रहेगा, 126960। इसका मतलब तीसरे साल में उसने पूरे तीसरे साल में ये कमाया, तो पहले साल की इनकम, दूसरे साल की इनकम, तीसरे की इनकम, करते करते 12वें साल की इनकम, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास चलेगा टोटल उसकी इनकम कितनी है। तो फर्स्ट टर्म ये है, ये कॉमन रेशो है, एन यहाँ पे आप डेल भी लोगे और आप सम का फॉर्मूला लगा दोगे, ज्योमेट्रिक का जो होता है, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।